सब्सक्राइब कीजिए न्यूज स्टेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए लेटेस्ट मूवीज और अन्य अपडेट के लिए। बहरीन में जन्मी, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की, श्रीलंका में मॉडलिंग की और अब भारत में आकर अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली जैकलिन फर्नांडिस बॉलीवुड की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं और उनकी फिल्में आज के समय में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हैं। एक समय पर टीवी रिपोर्टर रह चुकी जैकलिन का सपना हमेशा से ही एक एक्ट्रेस बनने का था और उन्होंने सारी मुश्किलों को पार करके कड़ी मेहनत के दम पर अपना यह सपना भी पूरा किया। तो चलिए दोस्तों, जैकलिन के टीवी रिपोर्टर से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनने तक का यह सफर हम थोड़ी डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अगस्त 1985 से, जब मनामा बहरीन में जैकलिन फर्नांडिस का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एलरॉय फर्नांडिस है जो कि एक म्यूजिशियन थे, साथ ही उनकी माँ का नाम किम फर्नांडिस है। जैकलिन के माता और पिता जैकलिन के जन्म से पहले श्रीलंका में रहते थे, लेकिन 80 के दशक में श्रीलंका का माहौल बहुत ही खराब हो गया था। जगह जगह पर हिंसाएं शुरू हो गई थी और इसी वजह से उन्हें श्रीलंका को छोड़कर बहरीन जाना पड़ा और इस तरह से बहरीन में जैकलिन का जन्म हुआ। जैकलिन का बचपन से ही सपना था एक हॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का और अपने इसी सपने को साथ लिए वो आगे बढ़ती रही। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बहरीन में ही की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वो ऑस्ट्रेलिया चली गई और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली। इससे पहले वह सिर्फ 14 साल की उम्र में टीवी शो को होस्ट भी कर चुकी थी और फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह श्रीलंका में जाकर बतौर रिपोर्टर काम करने लगी और इसी बीच उन्होंने स्पेनिश, फ्रेंच और अरबिक जैसी भाषाओं को बोलना भी सीखा। हालांकि वह एक टीवी रिपोर्टर थी पर उन्हें मॉडलिंग के भी काफी ऑफर मिलते थे, जिसे कि वह मना नहीं कर पाई और मॉडलिंग के क्षेत्र में अपने कदम रख दिए और यहाँ पर उन्हें काफी अच्छी खासी कामयाबी भी मिली। आगे चलकर वह 2006 में मिस यूनिवर्स श्रीलंका बनी और 2006 के वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के कॉम्पिटिशन में उन्होंने श्रीलंका को रिप्रेजेंट भी किया। मॉडलिंग में कामयाबी पाने के बाद अब बारी थी एक्टिंग में कुछ बड़ा करने की। 2006 में ही वह बाथिया एंड संतोष के म्यूजिक वीडियो में नजर आई, लेकिन यहाँ पर उनके परफॉर्मेंस को लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं किया और फिर धीरे धीरे वह खुद की एक्टिंग को और भी निखारने में जुट गई। हालांकि इसी बीच उन्हें किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के चलते भारत आना हुआ और अपने इस टूर के दौरान उन्होंने बैरी जॉन के जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग में कुछ समय तक एक्टिंग भी सीखी और एक बार एक्टिंग में अच्छी खासी पकड़ बन जाने के बाद उन्होंने अलादीन फिल्म के लिए ऑडिशन दिया, जिसमें कि उनके बैकग्राउंड को देखते हुए उन्हें आसानी से सेलेक्ट कर लिया गया और इस फिल्म में उनके अलावा अमिताभ बच्चन, रितेश देशमुख और संजय दत्त भी थे। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं कर सकी, साथ ही एक्सपर्ट्स ने भी जैकलिन की एक्टिंग को कुछ खास नहीं बताया और यह सब जानने के बाद जैकलिन फर्नांडिस और भी ज्यादा मेहनत करने लगी और अपनी अगली फिल्म में वह रितेश देशमुख के साथ जाने कहां से आई है मूवी में नजर आई। लेकिन एक बार फिर से यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरह से पिट गई और दोस्तों, श्रीलंकन ब्यूटी बॉलीवुड में अभी तक कोई कमाल नहीं कर सकी थी, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। 2011 में जैकलिन को मर्डर सीरीज की दूसरी फिल्म मर्डर 2 के लिए साइन किया गया और अब जाकर दो फ्लॉप फिल्मों के बाद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म में जैकलिन की परफॉर्मेंस भी पहले से काफी बेहतर दिखाई थी और शायद यही मूवी उनके लाइफ की टर्निंग प्वाइंट भी साबित हुई। इस फिल्म में काम करने के बाद जैकलिन भारत में काफी लोकप्रिय होने लगी और उनकी लोकप्रियता को देखकर 2012 में उन्हें हाउसफुल 2 मूवी में मौका दिया गया और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से छा गई। बस इसके बाद से तो उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें रेस 2, किक, हाउसफुल 3, ब्रदर्स और जुड़वा 2 जैसी कई और भी मूवीज शामिल हैं। साथ ही 2017 में उन्होंने श्रीलंकन सिनेमा में भी अपना डेब्यू किया और उनके डेब्यू मूवी का नाम था अकॉर्डिंग टू मैथ्यू। और दोस्तों, अगर जैकलिन की अपकमिंग मूवी की बात करें तो वो है रेस 3 और चूंकि सलमान खान उनके साथ इस मूवी में है तो फिल्म तो सुपरहिट होनी ही है। इन सब के अलावा जैकलिन फर्नांडिस कई सारे चैरिटी के कामों में भी आगे रहती हैं। वह जानवरों और बच्चों के वेलफेयर के लिए कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी बॉलीवुड के जानी मानी एक्ट्रेस, श्रीलंकन ब्यूटी के नाम से पहचानी जाने वाली जैकलिन फर्नांडिस की, जो आज के समय में बड़े पर्दे की जान है। भले ही वह अभी तक हॉलीवुड स्टार नहीं बन सकी हूँ, लेकिन अगर इसी तरह से वह आगे बढ़ती रही तो उनका बचपन में देखा हुआ सपना भी जल्द ही पूरा होगा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।